छुप के किसी की बातें सुनना ना बहुत बुरी बात है। छुप के तो मैंने एक और बात भी सुनी है। क्या? बाबा और मामा की। वैसे मैंने छुप के तो नहीं सुनी, मैं वहीं पे बैठी थी और वो लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। कौन सी बात है? साकिब अंकल की बेटी से तुम्हारी शादी की। साकिब अंकल कौन? अरे वो जनरल साकिब। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे किसी चीप सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मेरी कजन से दूर रहो तुम, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी याद या दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो मुबारकां लाला जी, मुबारकां। फोर्थ टर्म में आने और ASUO बनने की मुबारकें। आखिर तू पहुंच गया उस कमरे में जिस पर तूने फर्स्ट टर्म से नजर रखी थी। नजर रखी थी और दिल भी। इस कमरे में एक अजीब सा जादू है। इस बिस्तर पर वो शेर लेटता था और इस कुर्सी पर बैठता होगा। मैं कैसे बताऊं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं? तो बताने की जरूरत भी नहीं, तेरे चेहरे पे सब लिखा हुआ है। मुझे भी मुबारकबाद दे दे यार, तेरा भाई भी CSU बन के खड़ा है तेरे सामने। देखा, 1.5 साल में PMA में हमने क्या से क्या बना दिया। याद है पहली बार जब मुलाकात हुई थी तो कितना रोता था? रो नहीं रहा था, मैं थोड़ा घबराया हुआ था और बार बार कह रहा था डाढ़ा फंसाई अल्लाह से, यहाँ डाढ़ा फंसाई। और सारा दिन अल्लाह ईसा खेलवी के दुखी गाने गाता रहता था। खुदा की कसम उस मुश्किल दौर में भाई जितना अताउल्लाह खान ने सहारा दिया है ना, उतना तूने भी नहीं दिया होगा। लेकिन देख, आखिरकार अल्लाह ने चंगियाँ कर दी और बस्ती मलूक के गुलजार हुसैन की तंगियाँ खत्म हो गई। शुक्र है मैंने अताउल्लाह का मशवरा मान के दिल छोटा नहीं किया। ओए, तुझे पता क्या है, मुराद बलोच का 1 माइल फिर से रह गया। हाँ पता चला मुझे। मुझे तो लगता है मेरी बद्दुआ लगी है, बहुत रगड़े दिए हैं भाई उसने मुझे। तू था इस काबिल। 4 महीने गुजर गए और मेरा किसी को एहसास ही नहीं है। तुम वहां जाके बैठ गई हो। अम्मी नमाजें पढ़ती रहती हैं और अब्बू टीवी देखते रहते हैं। अगर दुआ
मेरी ना हुई ना तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो तुम सोच नहीं सकती। शायद चाचू को बुलाया अब्बू ने शायद यही बात करने के लिए। और मेरा मशवरा तुम ज्यादा इमोशनल ना हो। जब उसने साफ साफ मना किया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों अभी तक उसके पीछे पड़े हो? दुआ ने जो हमारे साथ किया है उसका जवाब ना दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, और ना तुम्हें और ना अम्मी अब्बू को। कल तक इंतजार कर लो, आ रहे हैं वो लोग, अब्बू बात कर लेंगे। अब बंद करो, निकलना है मुझे। ठीक है, लेकिन तुम अब्बू को फोन करके कह दो कि वो शाहिद अंकल को राजी कर लें, वरना मैं सबको नाराज कर दूंगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दुआ मैडम। उस दिन वो गुस्से में थी और जो उसके मुंह में आ रहा था वो बोले चली जा रही थी, और उसी गुस्से के हालत में उसने ये कह दिया कि वो राहिल से मंगनी नहीं करेगी। अगर राहिल ऐसी बात करता कि उसने दुआ से मंगनी नहीं करनी तो खुदा गवाह है उतारती जूता और उससे पूछती कि माँ बाप की जुबान से फिरने की उसकी हिम्मत किस तरह हुई, इंसान बना देती मार मार के उसको। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब बच्चे ऐसी बातें करते रहते हैं, हम सब मिल बैठ के उसको समझाएंगे तो वो मान जाएगी, क्यों शायद? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन अभी दुआ का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, वो इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहती। किसी और लड़के के चक्कर में तो पड़ी हुई है ना। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है भाभी, ना उसने कभी कोई चक्कर चलाया है और ना वो ही किसी और के चक्कर में है, वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और वो पढ़ रही है। हाँ तो ठीक है, मंगनी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखे, उसे किसी ने रोका है? देखो शायद तुम मेरे भाई हो और मैं अब तुमसे साफ साफ बात करने लगा। राहिल उस दिन बहुत अपसेट हुआ है, हमें उसका हर्ट होना बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है जैसे इस वक्त तुम मुझे नजर आ रहे हो। तुम्हारा वो सगा भतीजा है, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुआ है, हम एक फैमिली हैं, एक आइडियल फैमिली हैं, और हम लोग आपस में बैठ के कई बार इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि हम इन दोनों की आपस में शादी कर देंगे। तुम भी ये बात कह चुके हो और तुमने भी इस बात का कई दफा इकरार किया है। नहीं नहीं भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि घर की बात और बेटी घर में ही रहे, लेकिन क्या करें, दुआ फैसला कर चुकी है, बट फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। तुम तो ऐसे डर के कह रही हो जैसे तुमने नहीं उसने तुम्हें पाला है। अरे बच्चों को उनकी जगह पे रखना चाहिए, उसे उसकी जगह बताओ, माँ बनो उसकी, उसको अपनी माँ मत बनने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये ना हो कि कल को खानदान को अजाब झेलना पड़ जाए। तुम क्या कहते हो शायद, समझाओगे उसे? भाईजान मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दुआ से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। वो जो कहेगी जिसमें उसकी खुशी होगी मैं वही बात मानूंगा। हम अपनी जिंदगी अपनी खुशियों के मुताबिक गुजार चुके हैं, उसका भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी हमारी नहीं बल्कि अपनी खुशी के मुताबिक गुजारे। मैं दुआ की शादी वहीं करूंगा जहां उसकी खुशी होगी। मुझे पूरा एतमाद है अपनी बेटी पर और उसके किए हुए हर फैसले पर। मैंने कहा था ना, आपका भाई आपके साथ नहीं है। ठीक ही कहा था तुमने। जिस आदमी ने तुम्हें छोटा भाई नहीं हमेशा बेटा समझा, उसके साथ तुमने अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी भाईजान के सामने इनकार करने की? अगर आप उन्हें तसल्ली दे देते कि आप एक कोशिश और करके देखेंगे तो उन्हें इतना दुख ना होता। झूठी तसल्ली देने से बेहतर है सच बोला जाए। मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया, कोई गैर होता तो छुपा भी लेता, अब अगर इंसान अपने ही भाइयों से झूठ बोलने लग जाए तो लानत है ऐसे इंसान पर। जो बात दुआ से छुपाई हुई है वो सच तो आज तक नहीं उसे बताया। मेरी माने तो हम दोनों आज दुआ से बात करते हैं,
वरना देर होगी तो फिर उस तरह का हंगामा कर देगी जैसे राहिल से मंगनी की बात सुनकर किया था। तुम फिर वो बात कर रही हो जो बात मैं करना ही नहीं चाहता। कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। मेरे मरने के बाद करना। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें। गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करें और जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। बड़े भाई को नाराज करके आ रहा हूं मैं, बड़ी भाभी को आंखें दिखा के आ रहा हूं मैं। एक ही भाई था मेरा, उससे भी सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। और मैं जानता हूं अपने भाई को, अब वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, शायद मेरे जनाजे पर भी ना आए। और प्लीज तुम चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। तुम बार बार वो बात करती हो जो मुझे डरा जाती है। मेरा दिमाग फट रहा है। गाड़ी की स्पीड ऐसा करें शायद प्लीज चाहे। जी भाई, ओटी किस तरफ है? मरीज का नाम क्या है? शायद अहमद। मेरी अम्मी भी थी साथ, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मरी वाला एक्सीडेंट? जी जी, आपकी अम्मी का ऑपरेशन हो रहा है और आपके अब्बा वहाँ हैं। डर लग रहा है। मैंने क्या समझाया था, जब डर लगे तो क्या करना है? शाबाश, आंखें बंद करो और पढ़ो।
What are you doing, Murad? I hope you understand what is going to happen now. If you can't pass it, I'm afraid you're going home. Are we clear? Yes, sir. Hello, sir. अब तो रेलिगेट होके तुम लोगों के साथ आ गए हो लड़के, अब तो सर ना काकर। एक तो आप मेरे सीनियर हैं, दूसरा मुझे आपको सर कहना अच्छा लगता है। और जब रगड़े लगाता था तब भी अच्छा लगता था क्या? नहीं, खैर उस वक्त तो आपसे बड़ा जला तो कोई भी नहीं हो सकता था। अच्छा ये बताएं, इश्यू क्या है? मुझे पता होता किसी यूनिट में ऑफिसर बना हुआ होता तो जैसे एडिट के साथ यहाँ नहीं होता। सॉर्ट ऑफ ऑनर का क्या सीन है, ले रहा है कि नहीं? मुझे ये पता होता तो अपने कमरे में चिल कर रहा होता ना, आपके साथ ना बैठा होता। सीख गया है बोलना, बोल ले बेटा बोल ले। 1 mile का 5 breaker है, ASU बन गया है, सॉर्ट ऑफ ऑनर का स्ट्रांगेस्ट कंटेंडर है। तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? सर आप ज्यादा बातें करने के बजाय ना थोड़ा काम भी कर लें। हाँ चलें। छोड़ यार, जो होगा देख लेंगे, थक गया हूँ भाग भाग के। अब तो ऐसा लगता है कि किस्मत भी ये चाहती है कि रुक जाऊं ना भागू। दिल तो नहीं दिखा सकती लेकिन हथेली हाजिर है। देख लो तुम्हारा नाम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है तू भी शाहजैन की दादी की तरह ठीक ठाक बेशर्म। क्या हुआ, दादाजी ने क्लास ले ली क्या? मैं आधे घंटे से तुम्हारा वहां पर चुपके इंतजार कर रही और तुमने रास्ता बदल दिया। मियां जी के सामने जलील करवा दिया मुझे। कोई दुश्मन भी ना अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे नहीं करता। अल्लाह जाने मियां जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यही कि अल्लाह के फजलो करम से मेरी बीवी भी उनकी मरहूम बीवी की तरह बेशरम है। तुम्हारी वजह से मियां जी ने मुझे बेशरम कहा है। ना तुम वहां से रास्ता बदलते ना मेरे चेहरे का रंग बदलता। मेरी जान तुम खामखा अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। पढ़ले दर्जे की बेशरम हो तुम जो औरों के पीछे छुप छुप के मुझे डराने की कोशिश करती है। हर रोज मैं डरता हूँ, आज मैंने डरा दिया, हिसाब बराबर। आज नहीं डराना था, आज कुछ दिखाना था। ओ बीबी माफ कर, पिछले 2 महीनों से तुम्हारी ड्रॉनी शक्ल देख देख के ना मैं आधा हो गया हूँ। अब कुछ और दिखा के जान लोगी क्या? मुझे नहीं देखना कुछ। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद तो मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। जा रही हूं मैं। कहां जा रही हो मेरी दिल की रानी? अपनी मां के घर। नाराज होकर जा रही हो? कभी वापस नहीं आओगी? नहीं, रानी अपनी जुबान की पक्की है, कभी वापस नहीं आऊंगी। तरस जाओगे तब भी नहीं। जहां रानी की इज्जत नहीं है वहां रानी एक सेकंड नहीं रुक सकती। मेरी इस घर में डोली आई थी ना, अब जनाजा तो मेरे बाप के घर से उठेगा। इंशाल्लाह। अब नहीं जाऊंगी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या। आज तक जागते में डराया था ना,
अब सोते में ना डराए तो मेरा नाम रानी नहीं। आज के बाद तुम्हारी नींदें हराम करना ही मेरी जिंदगी का मिशन। अरे हाथ पे जो लिखवाया वो तो दिखाती जाओ। हमारे दुश्मनों का ये प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान 21वीं सदी में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मुल्क में मियारी तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं, और उनके मुताबिक 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आज मैं अपने दुश्मनों को सबूतों के साथ मुंह तोड़ जवाब देने और ये बताने आया हूँ कि हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा पढ़ चुका है। इसलिए अब हम इन गधों और भैंसों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं ताकि ये अक़्वाम-ए-आलम में हमारी रहनुमाई कर सकें और ये पढ़े लिखे जानवर अपने आगे आने वाली नस्लों की सही तरबियत कर सकें। हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा और गधा गधा तालीम के मैदान में बहुत आगे निकल चुका है। सबूत आपके सामने है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजीवाला को एक बासरा आदमी ने अपने जानवरों का बाड़ा बना रखा है, और ये एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, ये एक सरकारी स्कूल है जिसको कोई बहुत बड़े ओहदेदार या पॉलिटिशियन ने नहीं बल्कि एक मामूली ज़िलाई नाज़िम ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पे तालीम का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरी हुकाम-ए-बाला से ये अपील है, गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए ताकि यहाँ पे भी बच्चे सुबह सुबह स्कूल पढ़ने आ सकें और तालीम जैसी नेमत को हासिल कर सकें। कैमरामैन जवाद के साथ शारिक हबीब हाजीवाला का। तेरा क्या ख्याल है, चलेगा हमारा पैकेज? क्यों नहीं चलेगा, तुम देखना रमशा का बॉस पैकेज देखते ही बोलेगा प्राइम टाइम पे चलाओ इसे। बॉस ने कहा इन दोनों को यहाँ से निकालो। जानते हो तुम लोग किसके खिलाफ पैकेज बना के लाए हो? एक्सक्यूज मी, मैंने किसी के खिलाफ पैकेज नहीं बनाया, उन बच्चों के हक में बनाया है जिनके स्कूल पे कब्जा हुआ है और जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। किसके जानवर हैं वो? उसी जानवर के होंगे जिसने स्कूल पे कब्जा किया हुआ है। उस इलाके के एमपीए का डेरा है वो। शुक्र करो कि तुम दोनों वहां से सही सलामत निकल आए ना। अगर उसके बंदों ने तुम दोनों को देख लिया होता ना, ना तुम दोनों का पैकेज मिलना था, ना तुम दोनों ने नजर आना था दोबारा। वही गधों और भैंसों के साथ बांध देता वो तुम दोनों को। यार देखो पैकेज बहुत अच्छा है, मेरे बस में होता तो मैं चला देती लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तुम हमारी मदद नहीं करोगी, ये पैकेज नहीं चलाओगी? एक जगह से निकाली जा चुकी हूँ तुम्हारी मदद करने की वजह से, यहाँ तो मुझे टिके रहने दो प्लीज। क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का जहाँ इंसान अपनी मर्जी ना कर सकता हो? इससे बेहतर है घर जाओ और अपनी मर्जी के दाल चावल बनाओ। बोर हो गई हूँ मैं दाल चावल से, टकाटक की बात करो तो सोचा जा सकता है। पहले टकाटक पैकेज चलवाओ और फिर टकाटक खाओ, वादा। 9 बजे का बुलेटिन देख लेना, 10 बजे टकाटक खाने आ जाना। ओए, तू CSU है, तू क्यों पनिशमेंट दे रहा है? क्या किया इसने? गुस्ताखी। कौन सी? Are you blind? तुम्हें 5 फीट 9 इंच का एक सीनियर नजर नहीं आया और तुमने उसे विश नहीं किया? सॉरी सर। नो सॉरीज। गाना सुनाओ। कौन सा सर? अताउल्लाह खान का। कौन अताउल्लाह सर? तू बता ये गुस्ताखी है कि नहीं? वो बंदा जिसे कराची से लेकर खैबर तक और चीन से लेकर ताबखा के काशगर बच्चा बच्चा जानता है, ये उसे नहीं जानता। तुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, अगर लॉन्ग वीकेंड तक यही बंदा अपने आप को अताउल्लाह खान ना कहता फिर है, मेरा नाम बदल दे। जर्मन कैडेट, यू मे लीव। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुराद बहुत लोग चल रहे हैं आजकल। हाँ देखा मैंने भी, मतलब रेलिगेशन के बाद तो वो बंदा ऐसे मजनू बना फिर रहा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। तू बता उस मजनू का करना क्या है? हम सब ने मिलकर उन्हें प्रैक्टिस करानी होगी। और क्या, उनका लास्ट चांस है, हर फील्ड में आ गई।
आसमान महल में मार खाते हैं। सपोर्ट तो करना होगा सब ने। कर लेंगे यार सपोर्ट, फिक्र ना करो। यार देखो ऐसे आपस की बात है, इनका मेडिकल इशू है, लेकिन खैर कोशिश करके देख लेते हैं। नहीं कोशिश नहीं करनी, जान मारनी है और जान मारेंगे। नहीं तो सारे मिलके सर मुराद को मारेंगे कि भैया जब यजदान जैसे थके हुए आदमी से 5.5 मिनट में हो जाता है तो उनसे क्यों नहीं हो रहा। हाँ क्या बकवास है ये? क्या हुआ सर? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ये पैकेज मैंने रिजेक्ट कर दिया है तो क्यों किया है तुमने ये पैकेज आने एयर? मुझे तो रमशा ने कहा था सर, आपने अप्रूव कर दिया है और आज ही चलाने को कहा है। कहाँ है रमशा? और ये एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ ये एक सरकारी स्कूल है जिसको कोई बहुत बड़े ओहदेदार या पॉलिटिशियन ने नहीं बल्कि एक मामूली ज़िलाई नाज़िम ने जिस पर कब्जा किया हुआ है और यहाँ पे तालीम का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये जगह हाँ भाई पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर खुश हो? हाँ टक मंगवाओ चलो। गुजारिश है एक सेकंड बॉस की कॉल आई ताकि यहाँ पे भी बच्चे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तुम कल से ऑफिस नहीं आओगी, अगर आई तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें नौकरी से फायर करता हूँ। क्यों सर, मैंने क्या किया है? तुमने मुझे और मेरे ऑर्डर को बाईपास किया है। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उस गधे का पैकेज आनियर नहीं करना तो फिर तुमने क्यों किया और ये झूठ बोला कि उस पैकेज को मैंने अप्रूव किया है? गलती हो गई सर, आइंदा नहीं होगा। फायर तो ना करें आप मुझे। फायर तो तुम्हें मैं कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि तुम जैसी झूठी को किसी और चैनल में नौकरी कैसे मिलती है। अरे सर आप क्या फायर करेंगे मुझे, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके फायर करने से पहले मैं आपके चैनल को फायर करके आ चुकी हूँ। हाँ जी मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो है वो मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, आप उठवा लीजिएगा और मेक श्योर कि मुझे दोबारा कहीं और नौकरी ना मिले। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मुझे भूख लग रही है। तुमने जॉब छोड़ दी? हाँ तो क्यों? तुम्हारी वजह से। देखो बॉस ने तुम्हारा पैकेज रिजेक्ट कर दिया, मैंने ऑन एयर करवा दिया। अब मुझे पता था कि वो मुझे फायर कर देंगे, इसलिए उनके फायर करने से पहले मैं रेजिग्नेशन दे के जीत आई। सिंपल। तुम बिल्कुल पागल हो। दोगले इंसान, तुमने मुझे कहा था कि ऐसी जॉब करने का क्या फायदा जिसमें मेरी अपनी मर्जी शामिल नहीं है। अब जब मैं अपनी मर्जी कर रही हूँ तो तुम मुझे पागल कह रहे हो। मैंने मुहावरतन कहा था, मैं सीरियस नहीं था यार। तो मेरी जान आपके मुहावरे को हमने सीरियसली ले लिया ना, अब दिल पे मत लो, ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी भूख उड़ गई है, तुम्हारी वजह से मेरे पैकेज चल जाते थे, कहाँ चलाऊंगा मैं पैकेज। यूट्यूब पे देखो, मैं तुम और जवाद मिलके एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे। वो हिट हो गया ना और इन चैनल्स ने हमारे घर आकर हमें नौकरी ना ऑफर की ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। भाई साहब सर, एक चिकन कढ़ाई, एक टका टक और एक दाल मक्खनी सही से मलाई मार के जल्दी से ले आई, बड़ी भूख लग रही है, प्लीज चल। हेलो चिल करो यार, क्या हो गया? बेटा मैं लेने आया हूँ तुम दोनों को, अब तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। ऊपर वाला पोर्शन भी मैंने खाली करा दिया। मम्मी के लिए बहुत मुश्किल होगा, वो डैड का घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई का भी कुछ ख्याल करो, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मैंने यही सोचा है कि हम सब मिलकर तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे और तुम अपनी पढ़ाई का, बस इसके अलावा कोई हल नहीं। शाबाश, ज्यादा सोचो मत और जाने की तैयारी करो। तायबू एक और ऑप्शन है। यही बेस्ट ऑप्शन है। तायबू मैं सोच रही थी कि फरीदा और उसके घर वालों को पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रख लेती हूँ। हमारी बहुत पुरानी जानने वाली है, काफी अरसे से हमारे घर काम कर रही है, इस तरह वो मम्मी का ख्याल भी रख लेगी और मैं भी तो हर वीकेंड पे विजिट करती रहूंगी। देखो बेटा, मुलाजिम वैसा ख्याल नहीं रख सकते जैसा अपने रखते हैं। नो डाउट फरीदा बहुत अच्छी होगी, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता कि वो घर में रहे। कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारी माँ के साथ कोई हादसा हो जाता है तो ना तुम्हें असल बात का पता होगा और ना मुझे।
हमें तो वही मानना पड़ेगा ना जो फरीदा हमें बताएगी। और वैसे भी बेटा जब अपने मौजूद हो तो मुलाजमों से क्या लेना देना तुम्हारा। मैं अम्मी से मशवरा करके बताती हूँ आपको। नहीं बेटा नहीं, मशवरे की बजाय उसे कन्विंस करो, वो तुम दोनों का अपना घर है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे वो है कहाँ? जा गए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, आप खुद ही उनसे डिस्कस कर लें। ओके। सर जी भागे हैं, ऐसे भागे जैसे सहती मुराद के साथ भागी थी। जानते हैं ना सहती कौन थी? मुझे क्या मालूम यार। यार सहती अपना सहदे खेड़े की बहन और हीर की ननद, उसका मुराद बलोच के साथ चक्कर था सर। वो उसके साथ ऐसी भागी कि उसका मन मायल हो गया और ये देखिए हमारा भी मन मायल हो गया। सर आपकी मुराद बलोच के साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं निकलती? अब तेरी तो 6 मिनट 25 सेकंड। साथ मुझे लग रहा था कि आप लोग जितनी मेहनत मुराद पे कर रहे हैं वो मिड टर्म तक 1 माइल पास कर जाएगा, लेकिन नहीं कर पाया। सर वी आर वर्किंग ऑन इट। कैसे सर? फर्स्ट डे हिज टाइम वाज 6 मिनट्स 40 सेकंड्स, 8 हफ्ते बाद हिज टाइम वाज 6 मिनट्स 15 सेकंड्स, और अभी फाइनल में तो 8 हफ्ते बाकी हैं, तो इंशाल्लाह ये 15 सेकंड भी कवर हो जाएंगे। वेल ऑल द बेस्ट देन। थैंक यू सर। मैं यहाँ से चली गई तो शाहिद के पास कौन रहेगा? मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं यही ठीक हूँ, मुझे इस घर को नहीं छोड़ना। देखो दुआ की सारी पढ़ाई जाया हो जाएगी और मुझे भी वहां सुकून नहीं होगा। वहां बैठा यही सोचता रहूंगा कि अल्लाह जाने तुम दोनों माँ बेटी का क्या हाल होगा। अल्लाह पे तवक्कल करो और प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं भाईजान, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर में रहना है। वो भी तो तुम्हारा घर है, हम कोई गैर तो नहीं है। अपने होते तो शाहिद को अपनी अदालत में पेशी पर ना बुलाते, ना आप इसे मरी बुलाते, ना इससे नाराज होते और ना वो इस तरह मरता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे शौहर को आपने मारा भाईजान, वो आपकी वजह से इतना परेशान था कि आपके घर से निकलने से लेकर मरने तक वो सिर्फ आपकी नाराजगी की बातें करता रहा। भाईजान मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप मेरे घर में कदम ना रखें। आपको देखते मुझे आपसे नफरत होने लगती है। आपका जिसके साथ ताल्लुक था आपने उसको मार दिया, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझ पे इतना ऊंचा इल्जाम लगा रही हो? सर की चोट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वो तुम्हारा शौहर बाद में था, पहले मेरा भाई था, और तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा था। इतना प्यार होता तो उसकी बात मान लेते, अपने घर बुलाकर उसे मजबूर ना करते कि दुआ की मंगनी अपने इस छछोरे लड़के से करे। खुदा के लिए आप दोनों चले जाएं मेरे घर से, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है। दुआ मुझे अंदर ले चलो। तुम्हें भी लग रहा है या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि शाहिद के जाने के बाद ये दरख्त सूख सा गया? नहीं अम्मी, ये आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। शाहिद के जाने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा, हर चीज अंदर ही अंदर से सूख रही है। दोबारा कोई फोन वगैरह तो नहीं आया मरी वालों का? चलो शुक्र है जान छुटी।
तुमने तो कोई रابता नहीं किया अपने बाप के कातिल से। नहीं, क्या हो गया आपको? उस दिन भी आपने ताया अबू को इतनी बातें सुना दी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने अगर ये सब कहना ही था तो अकेले में कह देती, कम अज कम मेरे और राहिल के सामने तो ना कहती। मुझे समझ नहीं आता कि आप बड़े अपनी बातें छोटों के सामने क्यों करते हैं। तुम अब गैरों के पीछे मुझसे लड़ना चाहती हो? क्या बातें कर रही हैं अम्मी आप, ताया अबू कहाँ से गैर हो गए? क्या अबू के जाने के बाद हमारे ताया अबू से कोई रिश्ता नहीं रहा? क्या खून के रिश्ते इतनी जल्दी आसानी से खत्म हो जाते हैं? ना मेरा उनके साथ कोई खून का रिश्ता है और ना ही तुम्हारा। मैं कहीं से भी ना तुम्हारे ताई के खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और ना ही तुम्हारे ताया से कोई रिश्तेदारी निकलती है। आपकी नहीं है, लेकिन वो मेरे सगे ताया अबू हैं। मैं उनके छोटे भाई की बेटी हूँ, भतीजी हूँ उनकी। तुम मेरी और शाहिद की बेटी ही नहीं हो तो उनकी भतीजी कैसे हो सकती हो? हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था।